नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया था जिसकी प्राइस अंडर 10,000 रुपीज तक थी, लेकिन इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो कि अप्रैल के महीने में काफी बेस्ट हैं और जिनकी प्राइस मात्र आपको 15,000 से 20,000 के बीच में मिल जाएगी। अगर आपका बजट 20,000 से कम का है, अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस मोबाइल फोन को लेना आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में 5th नंबर पर रियलमी कंपनी की नार्जो 30 प्रो है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आती है। डिस्प्ले में 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें थोड़ी सी कमी है कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। कैमरे की बात करें तो रियर में 48 मेगापिक्सल की AI ट्रिपल कैमरा दी गई है, जिसमें 48 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दी गई है। बैटरी इसमें 5000 mAh की मिल जाती है, जो कि 30 वाट डॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। स्टोरेज में 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर दिया गया है। एंड्रॉइड 10OS के साथ आती है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज तक मिल जाती है, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीज तक मिल जाती है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर सैमसंग कंपनी की सैमसंग गैलेक्सी M31S है, जिसमें डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो रियर में 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा दी गई है, जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस दी गई है। तो इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाती है। बैटरी 6000 mAh की दी गई है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें भी साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्टोरेज में भी 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। OS Android 10 दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज साथ 19,577 रुपीस तक मिल जाती है। तो इस लिस्ट में 3rd नंबर पर Realme कंपनी की X7 है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आ जाती है। डिस्प्ले में 6.4 इंच का अल्ट्रा फास्ट सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरा लगी हुई है, जिसमें 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और माइक्रो लेंस मिल जाता है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। बैटरी इसमें थोड़ी सी कम दी गई है, 4,310 mAh की मिल जाती है, जो कि 50 वाट सुपर डॉट चार्ज को सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्टोरेज इसमें 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G प्रोसेसर दिया गया है। एंड्रॉइड 10OS मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपए तक मिल जाती है। तो इस लिस्ट में 2nd नंबर पे पोको कंपनी की पोको X3 प्रो है, जिसमें डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा दी गई है, जिसमें 48 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो इसके फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाती है। बैटरी इसमें 5160 mAh की मिल जाती है, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्टोरेज इसमें 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर में क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 860 दी गई है। एंड्रॉइड 11OS मिल जाता है। तो इसके प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज साथ 18,999 रुपए तक मिल जाती है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो Redmi की तरफ से है, Redmi Note 10 Pro Max। इसमें भी Poco X3 Pro जैसा ही स्क्रीन मिल जाता है। इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 108 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा दी गई है, जिसमें 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल की सुपर मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाती है। बैटरी 5020 mAh की दी गई है, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है। तो स्टोरेज की बात करें तो 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्रोसेसर क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिल जाता है। एंड्रॉइड 11OS दिया गया है। तुम्हें प्राइसिंग की बात करें तो 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपए तक मिल जाती है। तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपए तक मिल जाती है। तो इस प्राइस रेंज में ये 5 फोन काफी अच्छे हैं, जिसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जा रही है, कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसके अलावा बिग स्क्रीन मिल जा रहा है और प्रोसेसर भी इसमें काफी अच्छे से दिए गए हैं। तो इन मोबाइल फोन में से कौन सा आपको पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप कौन सा खरीद चुके हैं और या फिर कौन सा आप यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।